एशिया 11 और वर्ल्ड 11 की दो T20 मैचों की सीरीज जो कि मार्च के महीने में IPL शुरू होने से ठीक पहले ढाका में होगी, उसके लिए BCCI ने 5 खिलाड़ियों को भेजने का मन बना लिया है। और ये जो 5 खिलाड़ी जाएंगे, इनमें MS धोनी और दिनेश कार्तिक के फैंस के लिए बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, क्योंकि इन दोनों मैचेस को इंटरनेशनल मैच का दर्जा प्राप्त है। और ऐसे में जो 5 खिलाड़ी जाएंगे उनमें एक बात तय हो चुकी है कि MS धोनी और दिनेश कार्तिक को BCCI अप्रोच करेगी कि वो जाकर इन मैच में खेले, क्योंकि दोनों इंडिया के सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं, दोनों काफ़ी वक्त से इंडिया के लिए नहीं खेले। जहां दिनेश कार्तिक लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं, वहीं MS धोनी की वापसी को लेकर सभी चिंतित हैं और उनके फैंस उनकी बेसब्री से वापसी चाहते हैं। तो ऐसे में अगर वो वहां पर खेलकर उनको IPL से पहले ज़रूरी मैच प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अलावा जो 3 खिलाड़ी होंगे उनमें एक मनीष पांडे का नाम उभर के आ रहा है। इसके अलावा और 2 खिलाड़ियों में ऐसी खबर है कि अगर भुवनेश्वर कुमार तब तक फिट हो जाते हैं तो उनको मैच प्रैक्टिस दी जा सकती है और उनको भेजा जा सकता है। वहीं 5वें खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या का नाम आ रहा है, हालांकि इस बात की उम्मीद कम है कि हार्दिक पांड्या को भेजा जाएगा। हार्दिक पांड्या सीधा IPL में खेलेंगे और उनकी जगह पर विजय शंकर को भेजा जा सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के बाद विजय शंकर को इंडियन टीम में मौका दिया गया था और वह कुछ हद तक उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टीम मैनेजमेंट को संतुष्ट भी किया था। और उनके बाद शिवम दुबे को मौका दिया गया और शिवम दुबे विजय शंकर जितना भी कंट्रीब्यूशन टीम को नहीं दे पाए। तो ऐसे में अगर हार्दिक पांड्या चोटिल रहते हैं तो बैकअप ऑलराउंडर के तौर पे अब जो टीम मैनेजमेंट है वो विजय शंकर को ही तैयार करने का मन बना रहा है कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं तो जो हमारे ऑलराउंडर प्लेइंग 11 में होंगे, अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत होगी तो वो विजय शंकर ही होंगे, जिनके पास बल्लेबाजी की अच्छी टेक्निक है, अगर शिवम दुबे से कंपेरिजन किया जाए। और इसके अलावा वो जरूरत पड़ने पर जब चाहे ब्रेक थ्रो भी दिला सकती हैं। तो इसी के साथ ये वो 5 खिलाड़ी होंगे जो बांग्लादेश में भारत के लिए खेलते नजर आएंगे। इस एशिया 11 की टीम में 5 खिलाड़ी भारत के होंगे, 4 खिलाड़ी बांग्लादेश के होंगे और 2 खिलाड़ी श्रीलंका के, 1 खिलाड़ी श्रीलंका का और 1 खिलाड़ी अफगानिस्तान का खेलता नजर आएगा। अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी खेलेंगे, श्रीलंका की तरफ से तिसारा परेरा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो का इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।